पहले आप एक बार इस भयानक तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कार में सवार जो व्यक्ति था उसका हालात क्या हो गया होगा। हम चाहेंगे पहले इस तस्वीर को खूब गौर से देखिए, देखिए कि ये कार किस प्रकार से क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा है और इसकी टक्कर कितनी जबरदस्त हुई कि जबरदस्त टक्कर के बाद ना तो ये कार बचा, ना कार का इंजन बचा और ना ही इसमें सवार लोग बचे। बताया जा रहा है कि कार में तीन लोग सवार थे, तीन में से एक की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी, जबकि दो लोग अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है अस्पताल में लड़ रहे हैं। ये हुआ कैसे ये समझिए, ये भयानक सड़क हादसा हो कैसे गया इसकी तस्वीर पहले आप समझिए, दिखाइए। ये मुख्य रोड है, देखिए छावड़ा दानों से रक्सौल जाने का मुख्य कैनाल नहर रोड है। इधर से जिधर से वीडियो दिखाइए, सामने से ये रोड पकड़ करके गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आ रही थी और लेकिन जब तक ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक लगा करके कंट्रोल करता उससे पहले गाड़ी इस पेड़ से आकर के टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त कि पेड़ के तो छिलके भी उखड़ गए, लेकिन इसके बाद इस कार के किस प्रकार पर खच्चे उड़ गए जिसका पहले भयानक तस्वीर आप देखिए। देखिए अब टक्कर के बाद ये स्थिति कार की, दिखाइए भाई साहब, ये देखिए कुछ भी नहीं बचा। देखिए कार का ये इंजन है और यहाँ दिखाइए जरा, देखिए किस प्रकार से इंजन टूट गए, टूट करके इंजन कार से बाहर निकल गए, बैटरी बाहर निकल कर गया, दरवाजा टूट गया, मतलब आगे का पोर्शन देख के आप नहीं बता सकते कि ये कार जो है कितना तेज रफ्तार में थी और तेज रफ्तार कार की क्या दुर्दशा हो गई जिसका तस्वीर पहले आप देख लीजिए। इसके बाद हुआ क्या, जैसे गाड़ी पेड़ से टकराई पेड़ के छिलके उखड़ गए और इस पर्सन पे इतना जबरदस्त टक्कर लगा कि ये पर्सन सीधा सीट में आकर के सट गया। सटा इस प्रकार की बगल में बैठा व्यक्ति इस कार में बुरी तरीके से फंस गया और उस व्यक्ति को निकालने के लिए घंटों तक आम आदमी के साथ प्रशासन को भी मशक्कत करना पड़ा। तब देखाइए यहां से ये गैलेंडर से कार को काटा गया, काटने के बाद तब इस व्यक्ति को जैसे तैसे क्षत विक्षत अवस्था में बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक निकाला गया तब तक इस व्यक्ति की मौत इस कार के अंदर ही हो गई थी। ड्राइवर अभी बुरी तरीके से घायल है, एयरबैग तो खुले हैं लेकिन एयरबैग को क्या पता कि इतनी भयानक एक्सीडेंट के बाद एयरबैग कैसे बचा पाएगा किसी को। एयरबैग अगर स्लो मोशन में कार हो, जानकारी के लिए बता दूं, एयरबैग अगर स्लो मोशन के लिए कार और सामने से टक्कर हो तो इसमें सेंसर लगे होते हैं, सेंसर का काम एयरबैग को खोलना होता है, लेकिन एयरबैग आपको तब बचा पाएगा जब गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहेगी। स्पीड ओवर ज़्यादा होगा तो फिर एयरबैग फट जाएगी और फटने के बाद आपकी मौत हो जाएगी। बाकी दुर्दशा कार की दिखाइए एक बार, इधर से दिखाइए, देखिए ये कार का बोनट है और देखिए यह भी नहीं बचा, ये किस प्रकार से निकल करके बाहर आ गया। इस तस्वीर को जब मैं पहली बार देखा तो सच पूछे कि मेरा भी कलेजा निकल करके हाथ में आ गया भाई साहब, क्योंकि जीवन में इतना भयानक एक्सीडेंट मैंने आज तक नहीं देखा था। एक्सीडेंट का तो सैकड़ों वीडियो मैंने किया, आपको दिखाया भी, और हर एक्सीडेंट के बाद मैं आपको ये बताते रहता हूँ कि गाड़ी इतना भी तेजी में न चलाए जिससे आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गए। दिखाइए यहाँ पे टायर की दुर्दशा एक बार, चाहेंगे कि पूरी तस्वीर को यहाँ से शुरू करिए। देखिए कार का ये बोनट है, देखिए बोनट भी टूट के बाहर निकल गया। कार का अगला हिस्सा देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तमाम जो पार्ट्स है टूट करके बाहर निकल गए। यहाँ दिखाइए कार का ये इंजन है, इंजन भी टूट गया, चक्का भी फट गया, कार भी टूट गया और इसमें सवार एक व्यक्ति की मौत भी ऑन द स्पॉट हो गई। बाकी दो लोग अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। देखिए सिंगल ये रोड है, हमें लगता है कि 10 से 12 फीट चौड़ी ये सड़क होगी और इस पर गाड़ी को हमें लगता है कि 50-60 से ज़्यादा चलाना सबसे बड़ी मूर्खाई होगी, क्योंकि सामने से कोई आएगा तो हम साइड नहीं दे पाएंगे। एक तो दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है कि ये रोड पहले बरसों पहले बना नहीं, और बना भी तो सिंगल लेन का, मतलब एक ही गाड़ी आ पाएगी और एक ही गाड़ी जा पाएगी। अगर दूसरी गाड़ी आती है तो फिर गाड़ी को जो है रोड से नीचे उतारना पड़ेगा। यह स्थिति एक बार हटिए भाई साहब, थोड़ा सा इधर जाकर के तस्वीरें दिखाइए। आगे का पर्सन कुछ भी नहीं बचा, कार के अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं, सीट टूट गया, सारी चीज़ हो गई। पीछे वाला पर्सन हल्का फुल्का बचा है और हल्का फुल्का बचा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें बैठे लोगों की स्थिति इतनी भयानक थी कि उनके साथ कुछ भी हो सकता। अच्छा कुछ बताएंगे घटना के बारे में, कितने लोग कार में सवार थे भाई? तीन आदमी सुन रहे हैं। कितने आदमी मरे हैं अभी तक? एक आदमी को जानकारी है ऑन द स्पॉट जी, बाकी दो लोग अभी घायल हैं जी। और कोई बताएगा, बताइएगा कुछ नहीं, हम बैठे हैं। कितना बजे का घटना है? 10:11। क्या भैया? 11 बजे का घटना। कैसे हो गया ये सब? बारिश हो रहा था, बारिश में कोई देखने तो नहीं है आप, क्या हुआ क्या नहीं, इसमें हम लोग आए जब तक लड़ गया था तो आदमी इसी में छटपटा रहा था। अच्छा,
समय पे ना कोई सामान पुगा ना आदमी पुगे कि इनको हटा करके निकाला जाए। जब तक सामान आया तब तक वो आदमी निकलने से 10 मिनट पहले जब तक निकालते आदमी तब तक। अच्छा, इस कार में कितने लोग सवार थे? इस कार में 3 आदमी सवार। घटना के बाद कितने की मौत अब तक हो चुकी है? अब तक तो पता चल रहा है एक आदमी तो यहीं पे डेड कर गया। अच्छा, एक आदमी को ICU में भर्ती किया गया और एक आदमी का हालांकि कुछ दिक्कत नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, दर्द उर्द है तो ठीक है। मतलब एक तो मर गया, दूसरे की स्थिति अभी गंभीर है और तीसरा जो है लगभग लगभग सुरक्षित है, उसको ज्यादा परेशानी नहीं ज्यादा परेशानी है। मरने वाले लोग कहाँ के थे इसमें? मरने वाले यहीं के बता रहे हैं लोग कि बेलवा गांव। अच्छा, मतलब सब लोग आसपास कहीं थे? हाँ, इधर के थे। अब एक आदमी पता नहीं कहाँ। ये खबर जो है मैं आपको आदापुर के श्यामपुर के धबधबों के पास से दिखा रहा हूँ। वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यह था कि आपको बताया जाए कि भैया आप भी अगर गाड़ी रखे हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो या कोई भी गाड़ी आपके पास है, तो आप तेज रफ्तार में न चलाएं, वरना आपका हंसता खेलता परिवार कब मातम में डूब जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हर जगह घटनाएं होती रहती है, लगातार हम लोग सजेशन देते हैं कि युवा वर्ग के लोगों का काम है कि रेसिंग बाइक खरीदो, किस्त पे मोटरसाइकिल लो और उसको इतना ओवर स्पीड चलाओ कि तुम्हारे वजह से तुम्हारा परिवार जो है खुद मुसीबत में पड़ जाए। रील्स बनाने के चक्कर में आजकल घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, हीरोबाजी के चक्कर में घटनाएं ज़्यादा हो रही है। सभी गार्जियनों को मेरा एक सलाह है, मैंने कल वीडियो भी बनाया था कि आप अपने बच्चे को मोबाइल और मोटरसाइकिल से काफ़ी दूर रखें, वरना आपका हंसता खेलता परिवार कभी भी बिखर जाएगा। हालांकि दुर्घटनाएं तो कभी भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, लेकिन अपने से सावधानी बरतने का प्रयास करें। खास करके रक्सौल क्षेत्र से लेकर के घोड़ासन क्षेत्र तक के लोगों के लिए मेरा मुख्य सलाह कि जब कभी भी आप इस नहर रोड से, इस कैनाल पथ से गुजरे तो अपने गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखें, नहीं तो आपकी गाड़ी या तो पेड़ से टकरा जाएगी, नहीं तो इसमें इतने पुल बने हैं, इतने टेढ़े मेढ़े पुल है, रास्ता इतना टेढ़ा है कि अगर ओवर स्पीड में रहेंगे तो पेड़ से नहीं टकराएंगे तो पुल से टकरा के पक्का मर जाएंगे। इसलिए गाड़ी का स्पीड कम होना चाहिए, आप सुरक्षित है सुरक्षित जाए। बाद बाकी ये खबर आदापुर से मैं दिखा रहा था। इस भयानक तस्वीर को देखने के बाद आपका विचार क्या कहता है? गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, कैसे आप सुरक्षित रहेंगे, कैसे परिवार तक आप सुरक्षित पहुंचेंगे, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बाद बाकी आदापुर से ये भयानक तस्वीर और दुखद खबर मैं आपको दिखाते हुए आदापुर से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद जय बिहार।